नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत फिर एक बार आप लोगों के साथ। आज हम लोग जानेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वहाँ पे एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑल में क्लिक कर देना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लग रहा है, और लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कुछ यूनिट्स के बारे में। ये इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं जो जानना बहुत ही ज़रूरी है, प्रैक्टिकल में बहुत ही ये लगता है। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर और 1 इंच इक्वल टू 25.4 mm। बारह इंच में 1 फुट होता है और 1 फुट इक्वल टू 0.3048 मीटर। 1 माइल इक्वल टू 1760 यार्ड या 5280 फीट या 1.609 किलोमीटर। एक न्यूटिकल माइल 6080 फीट, 1.852 किलोमीटर और 1.152 माइल्स। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टामीटर और 1 हेक्टामीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। अभी हम लोग जानेंगे कुछ एरिया के बारे में, वीडियो को स्किप मत करना। 1 एकड़ इक्वल टू 4840 स्क्वायर यार्ड। 1 एकड़ इक्वल टू 3.025 बीघा। 1 बीघा इक्वल टू 14400 स्क्वायर फीट। 1 बीघा इक्वल टू 20 काठा। 1 काठा इक्वल टू 720 स्क्वायर फीट, 720 स्क्वायर फीट। 1 काठा इक्वल टू 16 छटाक। 1 छटाक इक्वल टू 45 स्क्वायर फीट। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.47 एकड़। 1 एकड़ इक्वल टू 10 स्क्वायर चेन। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। दोस्तों, लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो ज़मीन का हिसाब है, ये जगह के अनुसार चेंज हो भी सकता है। तो आपका एरिया में इसका हिसाब क्या है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।